सर जी, जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। अस्सलाम, माशाल्लाह जी, वेलकम। बहुत जबरदस्त जी, खुशहाल, खुश खुर्रम चेहरे, अस्सलाम वालेकुम सर जी। चमकते हुए चेहरे, छा जाने वाले वालेकुम चेहरे। वालेकुम अस्सलाम जनाब माजी सर साहब, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। पीर मौलाना वालेकुम अहमद अस्सलाम पीर मौलाना वरहमतुल्ला। अहमद। माशाल्लाह जी, साढ़े दोस्त पास होए ने, मैं स्क्रीन शेयर कर देना। जी, अज माशाल्लाह फिर साड़ी हैट्रिक हो गई है। शफाकतुल्ला साहब पास होए ने और जसवीर सिंह साहब पास होए ने। मैं मुकद्दस मलिक, इन्हें पिक्चर नहीं लगी, तीन साहब पास होए ने, जी असी हैट्रिक कह सलाम सकते हैं। वालेकुम मुबारक असलाम, हो सर जी, खैर मुबारक। मैं अनाउंस करांगा जेड़े साहब पास होए ने, इन्हों का जरा शहर का भी ना हो जाए। जनाब जसवीर सिंह साहब ने शहर सालेर नोए और इंडिया पंजाब तू ने, माशाल्लाह बहुत क्या ज्यादा बात है जी। कंग्रेचुलेशन जी। जनाब शफाकत साहब पास हुए ने लेनियागो, लेनियागो पिंड है, वेरोना शहर है और पाकिस्तान फ्रॉम हाफजाबाद, जी माशाल्लाह। पंजाब जी इंडिया और पाकिस्तान हाफजाबाद, दो जगह ते रोला पीछे पिया होया, पक्की गल है। क्यों जी शफाकत साहब, जसवीर साहब, इंडिया पाकिस्तान रोला पिया ना तुहाडे लाइसेंस दा अज? बिल्कुल सर जी, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा खुशी अल्हम्दुलिल्लाह। महसूस हो रही है सर जी। सर जी जेड़े जेड़े पास है उन्होंने आज इंटरव्यू होना चाहिए। हाँ, बेशक बेशक। अच्छा जसवीर सिंह साहब कितने ने जी, सामने आओ। जसवीर सिंह सिंह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम जी। जसवीर साहब भी तुसी देख रहे हो आगे ने क्लास विच, और शफाकत साहब भी आगे ने मेरे स्टूडेंट। दरशे मुबारक आखो जी, चलो इन्हों का अज एक अच्छा दिन है, खुशी वाला दिन है। नमस्कार सर बहुत जी, शुक्रिया, नमस्कार मुबारक जी, दोनों जी। थैंक शुक्रिया जी, यू बहुत जी, बहुत थैंक मुबारक यू जी, सर, बहुत बहुत मुबारक मुबारक। मुबारक खुद मुबारक बोलना, तुझे, बहुत बहुत सारे मुबारक। मेरा तो जेड़ा शुक्रिया, शहर तो मुबारक इंडिया भाई जी, शहर, मुबारक मुबारक तुहानू भी, सारे शुक्रिया सर। मुबारक जी। स्टूडेंट्स दिल खोल के मुबारक आखन, और पास होने वाले गुजारिश के ना वास्ते दुआ करो, दिल खोल के बहुत बुलाया बहुत जाए मुबारक तो हो मुबारक जनाब। देवे। खैर बहुत मुबारक बहुत जी, जी मुबारक जी, थैंक बहुत यू बहुत सब मुबारक। सब भावन तो मुबारक बहुत जी। शुक्रिया, एक खूबसूरत माहौल बन जाता है तुहाडे मुबारक आखन। सर आपको भी मुबारक हो और इन भाई साहब को भी बहुत थैंक मुबारक यू हो मैम माशाल्लाह जी, से। थैंक बहुत शुक्रिया मैम यू जी। जी, थैंक यू। अच्छा जी, साढ़े बहुत ही प्यारे लग रहे ने दोवे साहब, वेखो ना पास होने वाले दे मुखड़े तुसी देख रहे हो कितने प्यारे लग रहे होंगे। सर की खुशी हाँ बहुत ज्यादा होती है, सही पूछो ना। इंशाल्लाह, ऐसे इंटरव्यू का सानू बड़ी देर तो इंतजार सी, जिस टाइम से सोचे सा ना अल्लाह दूसरे दोस्तों का इंटरव्यू, अस्सलाम जिस टाइम वालेकुम भी सर था जी। एक दिन असी भी इंटरव्यू देवांगे। जनाब शफकत साहब सुनाओ, कैसा रहे तुम्हारा टेस्ट? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी दाढ़ी सोनी है। जी सर, शुक्र जजाकल्ला। अल्लाह का, ठीक ठाक जी, बड़ा अच्छा रहा जी सर। अच्छा माशाल्लाह, और तुहाडी मेहनत जेड़ी सी ना सारो रंग लैके आई है, ते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुहाडे को स्टडी भी थोड़ी देरी कीती है, 1.5 महीना। माशाल्लाह हाँ मैं देख रहा हूँ, न्यू जी, स्टूडेंट हो साढ़े, बिल्कुल जी। ते सर वैसे भी ना एक जिस टाइम ज्वाइन किया सी, यही सोचा सी पता नहीं शायद करना है कि नहीं करना, टाइम ही नहीं सी होंदा सर जी। फिर कम तो घर करो काम, ते फिर इतनी बिजी सी, अच्छा फिर ये सोच के दाखला लिया मैं, चलो एक क्लास ले लवा करांगे, ना ज्यादा हुई सी, दो ले लवा करांगे। ते माशाल्लाह सर जी, मैं 1.5 महीना 1.5 तुहाडे को क्लास लैके ते अप्लाई कर दिता। मैं जिस टाइम देखिया तुहाडे और जेडे ट्रिक्स हैं वो ही कम दे गए ने सारे से। अच्छा क्लास विच अपना सॉरी टेस्ट विच ट्रिक वगैरह आए? मैं सर जी, मैं जान तो पहला एक सकेदा किता सी खुद, और वो तकरीबन ओदे तो 15 तो 20 जेड़े सवाल सन ओ तुहाडे ट्रिक दे नाल सन, और मैं अच्छा जेड़ा मेरा टेस्ट आया ओदे विच भी घट तो घट भी 10 तो 15 सवाल ट्रिक दे नाल मैं क्लियर कीते। हां अच्छा बहुत जबरदस्त, अच्छी प्रोग्रेस जी है भाई। अच्छा वैसे ट्रिक जेन चाहते गए, मैं कई बार समझना कि शायद थोड़ा प्रेशर होता है स्टूडेंट के दिमाग च, ते वो पढ़न पढ़ के इजी लगता है, लेकिन तुहाडे माइंड च ट्रिक आंदे गए कि हाँ ए सवाल वेरवे निशानी आई है?
हाँ जी बिल्कुल सर, ट्रैक ते फिर ज्यादा फोकस भी ते ओदे ते दिता सी ट्रिका ते, लेकिन फिर भी मैं तुहाडी क्लास लैके 2 4 5 सके दे डेली दे कर छड्डा सा ना, घर अच्छा आके जी, शाम नूं मिल आउंगे, ते जिस टाइम पौजा हुंदा सी उस टाइम भी कोशिश यही हुंदी सी भी चलो कुछ ना कुछ वेले रहन और चंगा है कोई एक दो सकेदा कर लेंगे माशाल्लाह। जी। ते सर जी अच्छा बहुत मजा आया और थोड़ी टीम दा ते थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसां बड़े अच्छे तरीके नाल गाइड भी कीता ते एक एक लंबा बलंबा जेड़ा अपना सानू हेल्प भी करते रहे मेरी, ते मैं नहीं सी अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा सर जी मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत जरूरी, शानदार जी। देखो ताड़े नाल माशाल्लाह सारे स्टूडेंट भी बैठे ने, ताड़ी खुशी दे विच शामिल होए ने। ताड़ा तरीकाकार की रहा शफकत भाई पढ़ाई दा? पढ़ाई दा सर जी मैं एक क्लास है या दो तुहाडे को क्लास लेंदा सा रात नूं आके ना, ते ओ फिर एदा ही सी भई कदी क्लास लै लेनी जिवें तुसी मैनूं दस्या सी भई शफकत अपना तुसी जिस टाइम एक चैप्टर क्लियर कर लैंदे ते उहदा एक अद्धा सकेदा पिछले दा कर लिया करो ठीक ठीक है है, जी, ओ कदी क्लास लै के एक चैप्टर एक सकेदा कर लेना पिछले चैप्टर दा, फिर हौली हौली इंज करके जिवें, और सर जी मैं सही पूछो ते पूरे चैप्टर क्लियर भी नहीं सन पढ़े। अच्छा जी। हाँ जी बस थोड़े वो जिम्मे एक कहते हैं ना भी तरीकाकार वो बहुत इजी लगता है बंदे को, अपने आप ही बंदे का दिल और चाहत जी ना बंदे की बढ़ जाती कि मैं इस काम के बीच पै गया मैं इन खत्म करके अच्छा, छा इंटरेस्ट मीन बढ़ता गया। बहुत जी। शुक्रिया तुसा साड़ी कोई शक्कर सेवा साहब करते हो। मूर्तियां के चैप्टर कोई सवाल है या नहीं? जीर मुर्खिया वाले चैप्टर च कोई सवाल नहीं है मेरे मेरे स्केडे विच, हाँ, अफजल अयाज साहब नू रिमोर्की वाला चैप्टर टेंशन अच्छा देने मैनू एक बड़ा औखा चैप्टर लगता एक दो चीजा जेडियां सन ना मैनू ओना ते दुबियो सी भी ए मेरा सवाल आया ते शायद वाली गल मैं गलत कर लवां, जेडी अच्छा बिजली जी। वाली पोजीशन है नहीं अच्छा, तानू केड़ा सवाल लगे कि जरा मुश्किल सीगा बिजली दी शफकत? पोजीशन है थोड़ी जी मैनू मुश्किल लगी सी, लेकिन वो मेरे चैप्टर सवाल को वो नहीं आया? नहीं अच्छा आया। जी, ठीक हां जी है। गलतियां पता लग गया हां कितनी आईयां ताड़ियां? मैं तो अपना स्केदा दे अपना स्केदा कल्या मेरी दो गलतियां हुई हैं, वो भी एक मैं अच्छा, अपनी गलती की वजह तो गलती कर रहा हाँ, बिल्कुल जरा शफकत कर भाई ला दा, अमी। शफकत हाँ भाई दा जी स्केदा आया, मैं जरा स्टूडेंट नु दिखावांगा। एक गलती मैं आप गलत कर रहा हूं, मैं सही करके आंधी वाला जिस टाइम उन्होंने मैंने क्या ना भी अपने क्विज जेडे ने तुसी एक बार देख लो, फिर वो देख के फिर मैं गलत क्लिक कर बैठा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स देख रहे ने एस केदा सी शफकत साहब दा, तकरीबन छोटे छोटे सवाल ने, चोका लाइक सवाल हाँ है गए, पेरिकोलो वाले दो सवाल, तीन पेरिकोलो वाले ने दिव्ये, तो चोका अलीवीर ला जी फिर आ प्लीज गया। सारे नु सेंड करिया करो ना इस केदा एक बारी सारे नु, क्योंकि जरूर जरूर, फिर तुसा पता लग जाता किस किस चीज एग्जाम चाहिए या थोड़ी जा हाँ, सारे जिन्हें व्हाट्सएप भी ते ना पास कर दे। मैसेज करो, तानू मैडम होरी सेंड करदे ने, ग्रुप ओके विच भी वैसे कर दिया करांगे। हाँ ठीक, मशवरा तुहाडा। ते ए जी शफकत भाई नू सकेदा आया है, काफी छोटे छोटे सवाल ने, मैं समझना अगर इस सकेदा इन्हां नू पहले पता लग जांदा 1.5 महीना भी ना मैं पढ़ने। गल ओ ही सी गल सर जी, अच्छा मैं टाइम नहीं सी मिलता लेकिन मैं क्या सी मैंने स्कूल वाले ने फोन किया भी तेरी मैं डेट ले ली ठीक अच्छा है, अच्छा मेरा मूड नहीं सी हले भी मैं ध्यान देंदा, मैंने ये सी भी चलो को होर 15 20 दिन आप रिवीजन करना या सारे ने को होर 10 15 दिन ला के ना, ते फिर मैं ध्यान देवा, फिर मैं सोचा चलो इस दफा मैं पास ना होया फिर अगली दफा हो जाएगा, लेकिन मैंने अपने आप कि मैं नहीं लाजमी पास। वाकई तुसां दा मैं चेहरा भी देख के आइडिया ला रहा है कि बड़े हिम्मत आले हो और हाँ जी वधण जी आले हो तुसी, माशाल्लाह। सर ये देखो ना, थोड़ियां कामयाबियां ते थोड़ियां यकीन करो मेहनता ने असी ते मैं ते समझना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ भी नहीं सा लेकिन थोड़ी पढ़ाई मेनू तार गई। हाँ शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी जजाक अल्लाह ताड़ा भी हौसला एक अफजाई मैं सारे करके। भरावान मैसेज भी देवांगा, जेड़ा भरा इतने खास तौर पर फैमिली रखता है उन्हों खास तौर पर करना चाहिए। हाँ सर जी मैं लाइसेंस पहला वगैरह, बड़ा टाइम जाया कर चुका सा, मैं आज तो पता नहीं 5 साल पहला कर लेता लेकिन यही सी भी कल्ले ना काम ते जाने घर आ जाने की ये, फिर जिस टाइम फैमिली होने ना फिर बंदे वास्ते बड़ा औखा हो जाता अच्छा, गुड गुड गुड, है, वाकई ते एक थोड़ी जी ये कुर्बानी मशवरा है होगी। मेरा सारे भरावान भाई जेड़ा ना तुसी पतन ते लाजमी करो और लाजमी ए एडी गल कोई नहीं जिदी असी बना लेने हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है।
फेरा देंदे सी, रिवाइज कर उन मैं पिछो रिवाइज करता है, जिवें तुसी मैं दस्या सी एक चैप्टर पिछला कर लेना, फिर अगला हो गया, फिर पिछले दो नाल रला लो, ऐदा करके आर्गूमेंट जिहड़े सन ओह इकट्ठे करके फिर कई दी कितनी गलतियां चल रही सी? मैं स्कूल आले ने जान तो पहला मेरा टेस्ट लिया सी, मेरी दो गलतियां ने सा। पेपर दे के बाहर चले गए, बाद तुहानू दस्या गया तुसी पास हो? जिदा ओ स्कूल वाला सी ओ कहिंदा सी वी मैं जाके अपनी साइड ते एंटर हो के अपना कोड मार के वेखना मैं वी पास हो के फेल, लेकिन जिहड़ा एग्जामिनर सी ना ओ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਪਤੰਤੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं देखो जी एक लीगल सच्ची पूछो ना ते उना दुआवां भी बड़ियां कीतियां ने ते और इस टाइम मेरे नु भी ज्यादा खुशी होना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, चलो अल्लाह ताला तुहानू कामयाब दिता। और एक चीज ऐसी बेमिसाल तुसा कीती है कि सानू कोई टेंशन नहीं आने वाले फ्यूचर विच भी, ना इनू हवा उड़ा सकदी है ना बदल इनू भेज सकदा है। ओदी वजह के पुलिस आले भी अगर पूंतियां शूतियां कटणगे तुसा दी इंशाल्लाह ऐसी तैयारी होई कि दोबारा तुसी कर लेना। मेहनत कीती है और बड़ी इनकलाबी मेहनत है, डेढ़ महीने च पतेंते करके परा मारिया। कितने टाइम तू इटली चो तुसा? मेनू सर जी इटली तकरीबन 15 साल हो गए ने, लेकिन माइंड ही नहीं बनया इस पासे भी मैं लाइसेंस कर। बिग नंबर है गए 15 साल तुसा दा, हुन ज़ेहन अचानक तुसी नारा मार गए। 16 साल शफकत भाई और आंदे रेफरेंस नाले गल करांगा। स्टूडेंट सोशल मीडिया ते सानू सुन रहे हैं कि कंबल च बैठ के सोचते ने पे यार लसंस कर ही जांदे ने, पता नहीं बहरहाल औखा काम है। ओ भाई औखा को नहीं, इहनू छड्डो कंबल नू, बड़ा सौखा है। बल्कि मैं ते समझना साड़ियां क्लासां कंबल च पहुंच गईयां ने। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਚ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਦੇਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਜ਼ਾਕਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੇ। ਵਾਕਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਗੁੱਠੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਡੇਢ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਿਕਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਜੇ ਜਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਤਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਕੁ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਟਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਟਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਸ, ਔਰ ਆਈਡੀਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਸਵਾਲ ਵੇਰੋ ਕਿ ਫਾਲਸ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਕੋਈ ਪੇਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਔਰ ਸੌਖਾ ਸਕੇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਸਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੀ ਪਟੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਸਹੋਤਾ ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਟਾਲੇ 40ਵੇਂ ਦਵੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 40 ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਔਖਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਰ ਜੀ, 6 ਮਿੰਟ ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਸਵੀਰ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਲੌਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਫੀਸ ਦੇਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਝਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਬਾਈ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਫੀਸ ਵੀ ਸਹੀ ਲੈਣੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਫਿਰ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ 9-10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੌ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਗੀ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਨਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, 2:30 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ,
हाँ माशाल्लाह, बलराम साहब दी भी यही रूटीन है। तुसी देख रहे हो जिहड़े वेले साहब ने मैं ना नौ सारा। नौ बजे सवेरे आना जी, थोड़ी जिहड़ी मैं क्लास ला दा जी, 11वां चैप्टर चलता सीगा वो हुण हाँ बंद हो गया, क्योंकि दोपहर तो बाद फिर 2:30 बजे लगना, शाम नूं 9 बजे आना जी। बिल्कुल, मैं ये ये दो तां ड्यूटियां देंदे डिस्कस सीगे। कर रहा कि जिहड़े साडे साहब ने ना वेलम वेले, जिन्हां नूं कंबल नहीं छड़दा, मोबाइल नहीं छड़दा, और फिर कहंदे असि ने यार वेले जी आ जी, साडे कोल टाइम नहीं है भी। हाँ असि जी, ते तुसी उन्हां नूं मैं दसना चाह रहा कि ब्रदर सुनो, भाजी कह रहे ने कि मैं सरगी 3 बजे काम ते जाना, फिर 9 बजे वापस आना, रोटी खानी, ओहदे विच इक क्लास लानी। क्यों जसवीर साहब? फिर 2 बजे दोबारा काम ते निकल जाना, रात दे शाम दे 7 बजे आना, रोटी खानी, फिर क्लास लैनी, रात 12 बजे मैं क्लास ला के फिर सोना। कितना कुछ सुनदे होने ने। ओहदे विच इन्हां ने लाइसेंस कार्ड हासिल कर लिया, अज फोली रोजा लैंदा है, हुण सारी जिंदगी भी शक सुते रहन। हो सकता है इसके जिमीदारा काम तू भी जान कोई छूट सर जाए, इन्हां नूं कोई गड्डी वाला काम मिल जाए। देखो ना, मेहनत करनी सर पैंदी है। शुक्रिया जी जसवीर एक सर भाई। हो रहा ना, क्लासा चल रही रहनी है जी लगातार, हुण जे हाँ बंदे ये नूं भी नहीं, बड़ी सही। मैं तां सो जन्ना जी, जद उठदा उठीदा कान च हेडफोन लगे हुंदे, जां देखी दा क्लास लगी हुंदी ओह वी ला लईदी है, ये फायदा हाँ बहुत है। वेरी गुड, कहिंदे क्लासां लांदे लांदे सो जाना, जिस सर टाइम उठना ते क्लास ही चल रही होंदी है। कदी सवंश सुतिया पिया भी कोई सवाल हल कीते जे? सारे होंदा होंदा मेरे ना होंदा सर, मैं स्टूडेंट नींद आ अक्सर जाती है जी क्लास दे विच सो सर, जांदे मैनूं हैं। पहला पहला नींद नहीं थी आउंदी, 2 महीने मैं बहुत पढ़िया, 2 महीने जी बहुत जोर लाया भी जनिया, पहले 2 महीने मैं किताब दा पूरी दस के दा मारदा हुंदा सीगा जी, मेरियां दो तीन जेड़े मैं चैप्टर नहीं पढ़दा सी उंदी गलती आउंदी सी जी, हाँ ते हुण माशाल्लाह, मैं 25 चैप्टर जेहड़ी हुण आ तुसी 12:30 बजे वाली क्लास खत्म कीती आ, हुण मैं स्केदा मारदा मेरा 0 स्केदा आउंदा जी, अच्छा, वेरी गुड, बहुत ते गुड। पहला सर 2 महीने मैनूं नींद नहीं सी आउंदी, हुण मैनूं एक थोड़ी अखां भारी जी आउण लग गईआं ते नींद आउण लग जांदी। शफकत भाई दा माशाल्लाह मुस्कुराता चेहरा देख के इंज लगता है कि लसेंस बहुत सुख है। हाँ जी हाँ जी जी मनो सर शफकत जी, इंज ही लगेगा जी, बहुत सौखा है सर जबरदस्त। जी। शफकत भाई को मुर्शिद की जरूरत तो पड़ी है, देखें 15 साल इन्होंने इधर किया, उस्ताद की बड़ी जरूरत होती है जी। उस्ताद हाँ अपनी बेशक, फील्ड में, ये मैं भी मानता हूँ, माहिर होते हैं। हाँ और उसका बेशक, नतीजा मुझे तो आए हुए अभी 6 महीने हो गए इटली में, अच्छा लेकिन जुबान भी नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने मैंने सोचा चलो करते, लेकिन ठीक है, अब कोई सवाल अल्हम्दुलिल्लाह पूछो सर मुझे। वीर उन्होंने। हाँ जरूर सवंश, जरूर जरा मैं सरदार साहब की गल सुन ला। अच्छा जी, तो सर जी मैं कह रहा था कि मैं 6 महीने में सोच रहा था कि इटालिया भी नहीं आती, लेकिन जब मैंने शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रॉपर समझ आ रही है। तो माशाल्लाह, एन मतलब वही है कि कंप्लीट। उस्ताद की मैंने देखा कि बहुत बहुत बड़ी लोड़ पैंदी जी। हाँ बेशक सरदार इमरान साहब, बहुत शुक्रिया इन्हें उस लफ्ज दा कि। उस्ताद दी जरूरत है, एंड तिकन बंदन पैंदी है ना। ठीक है सर हाँ जी, अरे और सर माधुरी के मैं साथ मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि इस उम्र में तो चलो आए, लेकिन अगर पतंते हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम भी कहेंगे कि जो 10 साल पहले आए थे जी। हाँ जी सरदार बेशक भाई, थोड़ी बेशक, गल क्योंकि ठीक है, लेकिन बंदे बाज ने 100 लोगों इंटरव्यू होंगे नहीं कर अच्छा सकता बंदा। जी बेशक। देखो जी, लाइसेंस एक बहुत बड़ा क्यों हथियार जी है, पूरा शकुतला भाई? लाइफ हाँ जी एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है, लाइफ एकदम। और बहुत सारे ऐसे मतलब वो बिल्कुल क्या जी, कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कामयाबियां और तरक्कियां हमारा इंतजार कर रही हैं अगर हमारे पास लाइसेंस हो, जिनका पता भी नहीं। सर जी वो पहले कोई सहूलत नहीं थी ना, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह सहूलतें आ गई हैं, आप जैसे हाँ उस्ताद आ जी हाँ गए हैं जी, जो बड़े प्यार इंशाल्लाह से मोहब्बत से बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, बड़ी बाजूकात में क्लास लेते हुए सोचता हूँ कि कितनी मेहनत से करा रहे हैं, तो हमें भी जो है ना थोड़ा अल्लाहुम्मा मेहनत आमीन। से करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडेंट भी बड़े शौक वाले, और मैं कई दफा समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे एक क्या कह लें कि मेरी खुशबख्ती है कि मुझे इस तरह के काबिल स्टूडेंट मिलते हैं जो महीने डेढ़ में पतेंते करके और मुझे इधर फुल लगा के चले जाते हैं। इज्जत बनती है ना जी। तो ये इंटरव्यू एक्चुअली बेसिक इसके मतलब दो काफी सारे फायदे हैं। एक फायदा ये भी है कि मेरे स्टूडेंट्स को एनर्जी मिलती है इन बातों को सुन के। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं जब दिल परेशान हो पढ़ाई के बारे में, पतेंते के बारे में, तो हम इंटरव्यू एक आधा सुन लेते हैं, फिर वो थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। तो इसकी एक ये भी वजह है। और स्टूडेंट्स एक ग्रुप का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा जो अगली क्लास के लिए वेट कर रहे होते हैं और सब्र के साथ गुजारा करते हैं, हालांकि उनका टाइम हम खा रहे होते हैं।
उनका भी बहुत कोनी मशक्कत जी, कोनी जो सब बैठे रहते हैं हिम्मत करके, हालांकि इंटरव्यू इनका नहीं है, फिर भी बैठते हैं, सुनते हैं और मुबारक देते हैं, खुशी का इजहार, इनका भी बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे सब बैठे हुए हैं, सुनते हैं हमें, अल्लाह जानता है मैं तो अक्का बक्का रह जाता हूँ कि हम तो सादे से बंदे हैं, ना कोई बातें शातें आती हैं, फिर भी माशाल्लाह बैठते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, क्योंकि मैसेज कॉल आती है ना कि सर जी आपका वो इंटरव्यू सुना, बड़ा अच्छा लगा, हमारा भी दिल किया। तो चलो ये एक मतलब हम धक्का लगा रहे हैं आस्ता आस्ता इस गाड़ी को, और लाइसेंस को तो हमने बिल्कुल बेचारा कर दिया है इंशाल्लाह। ऐसे हाथ जोड़ के बैठा हुआ है मेरे मुजाहिदीन के सामने कि पाजी मैं हाजिर हूँ, मनु कुछ बात कर, और हम इसका इंशाल्लाह और थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे, आस्ता आस्ता आसान होता जाएगा। हमारे जसवीर भाई आप देख रहे हैं किस तरह बता रहे कि जी 6-7 महीने लगे लेकिन मैंने करके छोड़ा, अब वो 6-7 महीने भूल भाल जाएंगे इनको। हाँ 2 साल बाद इनको पूछो तो इनको याद भी नहीं रहेगा कि कैसे कितना टाइम ये हो, बस इनके पास एक लाइसेंस कार्ड आ गया। ये जो नारा मार जाना है तो मैं कि जितना लगता है कि हाँ पूंतियां कटियां जानियां ने कुछ सवालों में पंजाबी चो ही दस दियो। जसवीर पाजी मैं कोई सवाल है या आया ही नहीं, मैं दस देना सर जी सवाल मेनू के होया आया ही नहीं जी। अपना दसन शफकत भाई दसनगे सर जी, अगर किसी हैंडीकैप दी ਪਰਖੇ ਜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਚਾ ਪੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵੁਲਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੱਸੋਗੇ अगर मैं कहां के पावर स्टीयरिंग दी वजह पोल्यूशन बनदी वेरो के फालसो 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 इन्हां दी पढ़ाई तगड़ी है। जसवीर भाई मैं तुहानू नहीं छड्डांगा जब तक मेरे सवाल दा जवाब ना दोगे। जसवीर भाई आओ सामने नहीं तो फिर नाजरीन सुनने वाले कहंदे ने कि शायद कोई गेम हुई है। जसवीर भाई सामने आओ जरा, फस गई जान शिकंजे अंदर। जसवीर भाई जेडी गड्डी है ए 20-35 ना कितने वजन वाली गड्डी चला सकने हैं? फिनो 3.5 टन 3.5 टन बस हल करता एक सवाल दे नाल मेरा ख्याल है हुण दे देने आ 35 इनां नूं। माशाल्लाह एक जेड़ा तुहाडा चौका वाला ट्रिक है ना मतलब जिम्मे मशीन हटा बर्फ निशानिया बहुत सर एक जिम्मे दूसरा नून आली सर 20 मीटर करनी चाहिए। अच्छा जी चलो जी जसवीर भाई तुसी प्लीज आओ मनु ये दसो के तुहाडा पेपर कैसा होया और निशानियां आईयां ने के नहीं। बहुत जरूरत सी जिस तरह जॉब है थोड़ी चलो कैसा लग रहा तुसा आज लाइसेंस कर लिया लैंग्वेज पेपर है नहीं सके
कैसा लग रहा लाइसेंस तुसा कीता है और तुसा ये मेहनत कोशिश कीती है, जेडे लोग पैसे दे के लेंदे ने, एक तुसा पढ़ के कीता है, तानू कैसा लग रहा है कि क्या फर्क है पढ़ के करन च ते पैसे दे के करन च? मेहनत करके लैंड दे विच सही है, पैसे ला के जेड़ा लेना वो फालसो है जी। ओ फालसो है, तानू वैसे बहुत प्राउड हो रहा है, फखर हो रहा है कि मैं पढ़ के कीता है? हां जी बहुत ज्यादा जी, तुहाडा सिर ते हाथ वा, ते तुसी जी मेहनत सर बहुत चंगी तरह करो करके अज पतेंते कर। सर जी पढ़ के दा बंदा जित्थे मर्जी गड्डी चला सकदा, लेके जा सकदा ना। हां इन्फॉर्मेशन जब पैसे दे के लेने सर, जद अपन नु रूलां दा ही नहीं पता तां फिर अपन किवें गड्डी चलावांगे जी। बेशक बेशक जसवीर भाई, तुसी कोई हेलो। हां जी जी गल करो। मैं कह कोई मैसेज दियो जेडे ताडी एज दे ब्रदर ने साडे, ओ उना नु थोड़ी हौसला अफजाई मिले, ओ भी शुरू कर सकन। जी सर जी हौसला ही आ, अपने हौसले ना पढ़ना चाहिदा, दिल नहीं छड़ना चाहिदा। सर जी मेरी 48 दी एज आ, मैं अपने हौसले ना लाइसेंस कीता अज, सिर्फ तुहाडी बदौलत। माशाल्लाह। हाँ जी सर जी, मैनूं 6 साल हो गए इत्थे इटली च गड्डी चलांदे नूं बगैर लाइसेंस तो, फिर भी अज कामयाब हो गया। सिर्फ लाइसेंस चाहिदा सी मैनूं, अज मिल गया। अज मिल गया, गुड गुड। तुसी कोशिश कीती, थोड़ा थोड़ा करके होंदा गया है ना। शफकत भाई से बात पूछनी, भाई से सवाल कर ले, इनकी सर्विस का इशू है जी। क्योंकि शफकत भाई ने माशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी किया, 1.5 महीना 4 दिन, जरूर बहुत बड़ी बात है। तो कोई ऐसा ट्रिक कोई ये भी हमें दे दें जिससे हमें हेल्प हो, कि माशाल्लाह इतने जल्दी इन्होंने किया, बड़ी फख्र की बात है। तो क्या क्या खास क्या करते थे आप? क्लास भी कह रहे हैं कि बहुत कम ले रहे थे, तो क्या ऐसी चीज थी जिससे आपको लगा कि हाँ मुझे अभी पेपर दे देना चाहिए, मैं कर लूंगा? जी सर जी, तुहाडी गल बंदे दे ज़हन च रहनी चाहिए, ठीक है। जेड़ा तुहाडा ट्रिक एक ही है ना, वो ही बंदा पिक कर लवे ना। जिदा तुसी कहंदे हो भाई अपना जेड़ा तुहाडा चैप्टर शुरू होया ना, उहदे तो पिछले तुसी इसके दे 1, 2, 4 डेली करदे रहो। तुसी जिस टाइम वो पिछला ताजा ताजा चैप्टर पढ़ के उहदा सकेदा कर रहे ना, वो तुहानू बड़ी फेवर करेगा तुहाडी, ठीक है, और तुहाडी हेल्प होएगी उहदे विच भी। ते जिदा तुसी सारे पिछले इकट्ठे करके भी करोगे, उहदे विच भी 2, 4, 5 गलतियां होंदियां ने, 7 गलतियां होंदियां ने। मैं समझना जिन्नियां 7 गलतियां भी होंदियां ने ना, वह भी इम्तिहान का दाखला लै सकदा, ठीक है। जिस टाइम तुहाडी डेट होंदी उहदे दौरान तुसी अगर जनरल शकेदे करते रहते हो, फिर दोबारा वो तुहानू सारियां तुहाडियां गलतियां जिहड़ियां ने कवर करा देगा। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਕੇਦੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ 1, 2, 4 ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਗ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, 5, 6 ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ, ਜਿਹੜੇ 100-150 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੁਣ 5 ਲੈਣਾ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਸਪਾਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਸਪਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਪਤਾ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਸਪਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਬਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਤੰਤੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐ ਨਾ, ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੁਰਨਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੌਣਕ ਦਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਫਾਈਨਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ, ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਲਮਹਾ ਬਲਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ। ਜੀ ਲਮਹਾ ਬਲਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਯਾਦ ਆਓਗੇ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਸ਼ਫਕਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਜਸਵੀਰ ਬਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਲੈ। ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਾਦਰ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।